हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरे नानी के घर का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। बांदा जाऊँ और अपनी नानी से मिलने ना जाऊँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दीपावली का मतलब होता है दूसरों को खुशी देना, और मेरा वहाँ पहुँचना मेरी नानी के लिए दिवाली का गिफ्ट था, तो इसलिए मैं मिलने गई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको देसी गाँव जो होता है, देसी अपना घर दिखाऊंगी। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर है तो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उससे पहले आप कुछ बहुत ये दिवाली के फंक्शंस की पिक है जिनको आप देख लीजिए। जिंदगी में पहली बार केक मिला, लग रहा बेचारे को। ये कौन सा तरीका है? हाँ सिखा लो। ऐसे खाओ बेटा, हाँ सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे खाया जाता है बेटा। हाँ अब हाँ सो सो ये जो आपने अभी व्यू देखा था, ये दिवाली वाले दिन का था। राम भैया ऐसे केक खाते हैं और यहाँ पे ये गोवर्धन की पूजा हो रही है। सो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बोला था लेने के लिए सचिन को, तो वो पूजा का ये क्लिप ले रहे हैं। यहाँ पे मेरी सासू माँ है, उनके दो गोदी में दोनों उनके नाती बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मैं और मेरी जिठानी भी बैठी हुई हैं। अब सचिन शूट कर रहे थे तो उनको भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी का शौक है, तो उन्होंने आपको बगिया दिखाई है। इससे पहले मैंने जो अपना ससुराल का रूम टूर कराया है उस पर मैंने ये बगिया डिटेल से दिखाई है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। जो मैं बांदा में गई थी, दिवाली ब्लॉग, दिवाली मेकअप लुक और बांदा पहुँचने का जो भी था, सब कुछ मैंने वीडियो दिए हुए हैं। आपको बांदा की खूबसूरती देखना बनता है। सो जब आप लोग बांदा से हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत एक व्यू आता है। लाइक ये ब्रिज है, नदी है, के नदी जस्ट बांदा के बगल से निकली हुई है, और इसके बगल में रेलवे ट्रैक है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे ये व्यू। इसलिए मैं जब भी बांदा जाती हूँ, अगर यहाँ से निकलती हूँ तो मैं यहाँ का व्यू ले लेती हूँ। और फास्ट फूड में मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको खूबसूरती दिखा सकूँ। आप देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बांदा के जितने भी यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर इन्हीं सारे लोकेशंस में शूट करते हैं वो लोग, और यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी की कमी नहीं। और बगल में ये देखिए पहाड़ है, इस पहाड़ के जस्ट पीछे मेरी मम्मी का घर है और इधर मेरा ससुराल पड़ता है। मतलब बस पहाड़ के इधर जाओ तो मेरा मायका, उधर जाओ तो ससुराल, और उस तरफ ये जो दूसरा ब्रिज है इससे मैं लौटते टाइम में आऊंगी, तो वहां का भी आप व्यू देख लीजिएगा। सो अब सीधे पहुंचते हैं हम लोग गांव में। तो ये गांव में अपने पहुंच चुकी हूं, और इचौली गांव है ये, और आप ये देखिए ये जो लेडी जा रही है इस तरह, कितना हम लोगों ने पेंटिंग वगैरह में देखा होता है, ये सब रियालिटी होती है। सच में यार इतनी खूबसूरत जगह होती है गाँव, एकदम शुद्ध वातावरण होता है और इतने अच्छे लोग होते हैं गाँव के। और आप गांव की गलियां देखिए कितनी प्यारी, और कितना रंगा पुता घर है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे पुताई होती है, वहाँ पे गोबर से लीपा जाता है। मेरे पास कमेंट आया था कि मैम क्या आपने कभी गोबर से लीपा है? हाँ भाई, मैंने भी लीपा हुआ है, लेकिन अब जब मैं अभी गई थी अपने ससुराल तो वहाँ पे मैंने नहीं, मेरे ससुर ने लीपा था, और अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये देखो कौन है, कौन आए? राम आए, राम आ देख टॉफी बिस्कुट है। चला चला इधर चला, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने नाना नानी के यहाँ, और यहाँ पे ये रहे मेरे नाना और ये रही नानी। नानी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है नानी, अच्छी नहीं नानी अब भी अच्छी लगती है। ये देखिए पिछली बार मैंने जब आप लोगों का वीडियो डाला था ना यूट्यूब में, सब लोगों ने बहुत पसंद किया, सब कह रहे थे आपके नाना नानी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को मतलब सबने देखा मुझको बनियान पहने, बनियान अभी भी आप बनियान पहने, ये देखिए अभी भी बनियान पहने हैं, और सब लोग बोल रहे थे आपके नाना नानी बहुत अच्छे हैं, उनको देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए, बहुत अच्छे हैं। हाँ मम्मी से बताया। तो ये है मेरे नाना नानी और ये उनकी छोटी सी दुकान, वो अपने घर पे रखे हुए हैं, और राम आता है तो उसकी चांदी हो जाती है यहाँ पे आके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग खा लेते हैं जाते टाइम में, जितना वो खाता है उससे डबल पेमेंट मैं डाल देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं क्या बताऊँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और
ये मतलब मेरे नानी का किचन है, और यहाँ पे भी देखिए रंगा पोता है सब कुछ, क्योंकि दिवाली है तो नानी ने पूरे घर में गोबर से लिपाई और चूना से पुताई की थी। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है बिकॉज़ यहाँ से मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, और नाना नानी को लेके मैं कितना ज़्यादा इमोशनल हूँ ये आप लोगों को पता हो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर तो आप नहीं जानते होंगे, बट मेरा यूट्यूब का पेमेंट का मैंने बताया, जब आएगी तो मैं अपने नाना नानी के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहती हूँ। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आजमगढ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है उनको देख के, बट स्टिल आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पे मैं और नानी अंदर जा रहे थे बैठने के लिए, बातें वगैरह करने के लिए। सचिन शूट कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा एंगल का नॉलेज नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। सो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे इतना खेलते थे। ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अधिकतर खाना बनता था, और उधर वो जो आप दो पीछे अलमारियाँ देख रहे हैं इसको फ्रिज बोलते थे, मतलब यहाँ पे खाना बना के रखा जाता था, बोलते थे यहाँ खाना ख़राब नहीं होगा, मतलब पुराने ज़माने में भी साइंटिफिकली घर बनते थे। और आप देख रहे थे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब जब मैं अपने नाना नानी से मिलती हूँ तो मुझे स्पेशली अपनी नानी से ज़्यादा अटैचमेंट है, बिकॉज़ मैं उनके साथ बचपन से रही हूँ, मैं उनके साथ काफ़ी मतलब रही भी हूँ। मम्मी में 7th स्टैंडर्ड में मैंने मेरी नानी के घर पे ही पढ़ाई की थी, तो यही रीज़न है कि मैं अपनी नानी की इतना ज़्यादा क्लोज़ हूँ, एंड आई रियली लव हर। मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा अपनी नानी को प्यार करती हूँ सच में यार। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ चाय अपने नाना और नानी के लिए, एंड यहाँ पे ये है इनकी चीनी। सो गांव की चाय, वैसे तो सिलेंडर में मतलब उनके पास चूल्हा वगैरह है तो मैं उसी पे बना रही हूँ, चूल्हे पे बनती है तो और टेस्टी होती है, बट चूल्हा कौन जलाएगा यार चाय के लिए। और अब बनेगी अदरक पड़ेगी, तो ये है इनकी किसी और ये है अदरक। इसको मना करिए, पत्थर फेंक रहा है। नहीं राम भैया गंदी बात, बच्चे बैठ तो गए। तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है? चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वो कहीं ना उल्टा। चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सही से बैठो, कैसे बैठे हो तुम? अब हम लबाब बनाया गांव में। इनको देखो लग रहा है ना गांव। सो चाय यहाँ पे बन गई है और नानी मेरी यहाँ पे चाय को छान रही हैं। वो इतनी ज़्यादा बुजुर्ग हैं लेकिन उनके जितना साफ़ सफाई तो मैं भी नहीं रख सकती हूँ। कच्चे घर में साफ़ सफाई रखना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं भी आपको गंदगी नहीं लगेगी, कितने अच्छे से उन्होंने अरेंज किया है। ऊपर आप देखिए ये साड़ी जो ऊपर लगी हुई है, इससे ये होता है कि ऊपर से जो धूल धक्कड़ ये सब आते हैं ये नीचे नहीं गिरता है, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ लगाया हुआ है कि मैं मतलब उनसे देख के सीखती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में भगवान को देखा है, तो मैं बोलूँगी हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में भगवान को देखा है, वो है मेरे नाना और नानी, बिकॉज़ मैंने इनके जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए दे दी। मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी किया वो दूसरों के लिए किया, अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए किया। मेरे नाना ने अपने सभी भाइयों की बहनों की शादी की, उनके बच्चों की शादी की, अपने बच्चों की शादी की, बच्चों के बच्चों की शादी की, सब का मतलब वो करते चले आए। और मतलब कि आज ये है कि आज वो और उनकी वाइफ अकेले रहते हैं यहाँ पर। सो कोई नहीं होता, अगर आपकी वाइफ और ही हस्बैंड का साथ देती है, हस्बैंड वाइफ का साथ देता है, बाकी सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके साथ कोई ये करता आप उसके साथ 10 करिए। मैंने 50 बार अपने नाना नानी को अपने यहाँ आने के लिए बोला, लेकिन हमारे यहाँ लड़की नातिन का खाना बहुत वो मानते हैं और वो इसलिए बिल्कुल भी आना नहीं चाहते। मैंने इतना उनको फोर्स किया लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। सो आप लोग भी प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे कमेंट कीजिए, उन तक ये मेरा मैसेज पहुँचाइए कि वो मेरे साथ आके रह सकते हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने इतना दूसरों के लिए किया कि मैं इतना उनसे इंस्पायर हूँ। मेरे अंदर जो ये गुण है दूसरों के लिए करना, दूसरों की मदद करना, ये उन्हीं के थ्रू आया है, बिकॉज मैंने उनको पूरी ज़िंदगी बस करते हुए देखा है, खुद के लिए करते कभी कुछ नहीं देखा है। यही वजह है कि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। उठो गए से बैठी हो, चलना है? अरे तो मामा कहाँ जाओ, बैठ जाएंगे।
बन जाएंगे अगर चलना हो तो। आते टाइम में मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है गाइस, बिकॉज मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी का उसूल है कि आपको इधर उधर रहना पड़ेगा। सो यही रीज़न है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सैड थी मैं आते टाइम में, लेकिन फिर आपको अपना मूड तो ठीक करना ही पड़ता है, बिकॉज यही ज़िंदगी है। सो अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, घर निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं गाइज़, और मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं शूट किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत छोटे छोटे क्लिप्स ही मैंने शूट किए हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं अपने नाना नानी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मैं 2-3 घंटे के लिए गई थी, मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताना चाहती थी, इस वजह से मैंने बहुत ही कम क्लिप्स ली हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपने नाना नानी की हेल्प कर सकूँ। लाओ इधर दिखाओ, इस बच्चे बउआ को दिखाओ, इसको देखो भैया, गोट भैया, गोट 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 देखो, गोट है, देखो भैया गोट, देखो देखो गोट, देखो क्या कर रही है गोट, उधर पे देखो, हिलू कर लो, देख लो गोट को, देखो छू लो, हाथ से छुओ, आप खड़ी कर दो ना स्कूटी, ये देखो गोट, देखो राम भैया, देखो ये राम मेरे गोट 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 क्या ये गोट है ना, छोटी सी प्यारी सी गोट है ना, किधर गोट 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 ले लो गोदी, गोट को बिस्किट, गोट को बिस्किट दे दो राम, गोट को बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो गोट को। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग हैं अभी ब्रिज के ऊपर, ये है न्यू ब्रिज ऑफ बांदा, एंड यहाँ से व्यू देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे वो है जो दूसरा ब्रिज जिससे हम लोग सुबह गए थे, और ये न्यू ब्रिज है। तो बस अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं, यानी कि बांदा पहुँच चुके हैं। सो या कैसा है सचिन व्यू, बढ़िया है, एक नंबर का, चलिए चलते। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सो बाय एंड टेक केयर ऑल, सो बाय गाइज़।